Good morning, student. Today I am going to explain you your first chapter, computer classification. Line by line dekhte chalna beta. We know that computer is an electronic machine to perform mathematical and logical calculation. हम सबको पता है computer क्या है, एक electronic machine है जो mathematical और logical calculation के लिए use किया जाता है. Mathematical मतलब plus, minus, multiplication, division. Logical मतलब greater than, equal to, less than. इन calculation को use करने के लिए use किया जाता है. The history of computers tell us that Charles Babbage is called the father of computers. और हम Charles Babbage को क्या कहते हैं? Father of computer के नाम से जानते हैं. And now in this chapter we are trying to describe the types of computers and elaborate classifications of computers. आज हम इस chapter में computer के types के बारे में पढ़ेंगे और उसके classification के बारे में समझेंगे. Computer can be classified in various ways depending on their generation, working, size and brand. Computer को हमने अलग अलग parts में ऐसे divide किया है उसके generation के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, उसके size के हिसाब से और उसके brand के हिसाब से computer को classify किया गया है. First topic आपके पास generation of computers. A generation refer to the state of improvement in the development of a product. With each new generation, the clarity has gotten smaller and more advanced than the previous generation before it. जनरेशन का मतलब क्या है? जनरेशन रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तो अगली बार उसमें क्या चेंजेस आते हैं, फिर उसमें ऐसे क्या चीज़ किया जाता है कि उसमें फिर से चेंजेस आते हैं. विद ईच न्यू जनरेशन द सर्कुलेटरी हैज़ गॉटन स्मॉलर. हर बार नई नई जनरेशन के साथ जो इसका साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है. एंड मोर एडवांस दैन द प्रीवियस जनरेशन बिफोर इट. और पिछले जनरेशन के हिसाब से इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एडवांस फीचर आ जाते हैं. As a result of the speed, power, memory, miniaturization of computers have proportionally increased. इससे क्या नतीजा निकल के आता है कि साइज छोटा हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, पावर कम लगती है और मेमोरी भी ज़्यादा हो जाती है. New discoveries are constantly being developed that affect the way we live, work and play. नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे खेलने का तरीका, ये सब चेंज हो जाता है. तो हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम पीरियड है 1946 to 1958, और ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज़ स्लो, एक्सपेंसिव एंड ऑफन अनडिपेंडेबल. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके काम करने की स्पीड बहुत स्लो थी और वो जो कंप्यूटर थे वो बहुत महंगे होते थे. इन 1946 टू अमेरिकन्स प्रेस्पर एक्कॉर्ड एंड जॉन मोचली बिल्ट द एनयाक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच यूज वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ द मैकेनिकल स्विच ऑफ द मार्क वन. 1946 में टू अमेरिकन्स जिनका नाम था प्रेस्पर एक्कॉर्ड और जॉन मोचली, इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनयाक, जिसमें वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था. द एनयाक यूज़ थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब. जो एनयाक कंप्यूटर था ये हज़ारों से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करता था. विच टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस एंड गेव ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ हीट जस्ट लाइक लाइट बल्ब ट्यूब. जिसमें थोड़ा सी जगह होती थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गर्माहट पैदा होती थी जैसे एक बल्ब के अंदर होती है. इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था. पंच कार्ड टेप इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के काम के लिए पंच कार्ड टेप को यूज़ किया जाता था. अबाउट 1000 सर्किट पर क्यूबिक फुट. और ये कितना बड़ा था? 1000 पर सर्किट फुट के इक्वल था. इसके एग्जाम्पल दिए हुए नीचे हार्वर्ड मार्क वन, वल्विन एनयाक, EDSAC, यूनिवाक वन, यूनिवाक टू, यूनिवाक 1101, ये सब क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं. डू यू नो में हम देखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स वर इन्वेंटेड द सेम टाइम द लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिशन. इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब था उसको बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन, और जब इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बना उसी के टाइम पर वैक्यूम ट्यूब भी बना, और इसे बनाने वाले का नाम भी था थॉमस अल्वा एडिसन.
ठीक है, उसके बाद फैक्ट फाइल है, धनिया गिव ऑफ सो मच हीट दैट दे हैड टू बी कूल्ड बाय जेंटिंग एयर कंडीशन। यानी आग बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे और इन्हें ठंडा करने के लिए एयर कंडीशंस को यूज़ किया जाता था। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पेज पर द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1959 टू 1964। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। इन 1947 थ्री साइंसिस्ट जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रैटन वर्किंग एट AT&T Bell Labs invented transistors। 1947 पर तीन साइंटिस्ट ने, जिनके नाम याद दिए हुए हैं, इन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया। द ट्रांजिस्टर वॉज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर, मच चीपर टू बिल्ड दैन वैक्यूम ट्यूब। जो ट्रांजिस्टर था इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसका काम बहुत ठीक था, इससे ये रिलायबल था, स्मॉलर इसका साइज छोटा था, मच चीपर ये सस्ता था, वैक्यूम ट्यूब के कंपेरिजन ये सब फैसिलिटीज के अंदर थी। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्वलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब का काम कर सकता था। दीज ट्रांजिस्टर वर मेड ऑफ सॉलिड मटीरियल सम ऑफ विच इन सिलिकॉन। ये जो ट्रांजिस्टर थे ये सिलिकॉन को यूज़ करके बनाए गए थे। देयरफॉर दे वर वेरी चीप टू प्रोड्यूस। इसीलिए ये जो योगी ने बनाया गया तो इनमें खर्चा कम आया। ट्रांजिस्टर्स वर फाउंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फास्टर एंड बेटर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके स्पीड के साथ और वैक्यूम ट्यूब से अच्छी क्वालिटी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। हम एडेंडम देखेंगे। विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स स्पेस ट्रैवल इन द 1960s वुड हैव बीन पॉसिबल। ट्रांजिस्टर के आने के बाद ही स्पेस में ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकी 1960 में। उसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। यूज़ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है। अबाउट 1 lakh सर्किट्स पर क्यूबिक फुट। और इसके अंदर कितने सर्किट्स हैं? 1 lakh सर्किट्स। इसके क्या क्या एग्जांपल हैं? यूनिवाक 1101, यूनिवाक 3, RCA 501, ये सब इसके एग्जांपल हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन, इसका टाइम पीरियड है 1965 से 1970। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया जाता है। द इंटीग्रेटेड सर्किट और एज इट इज़ समटाइम रेफर टू एज सेमीकंडक्टर चिप पैक अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन टू अ सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम कई बार सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को पैक किया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वेफर्स या सिलिकॉन के, एक वेफर और सिलिकॉन के ऊपर बहुत सारे हजारों से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर को यहाँ पर पैक किया गया। रॉबर्ट नॉइसी एंड फेयर चाइल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक किल्बी ऑफ टेक्सिस इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। रॉबर्ट न्यूसी एंड फेसिल चिल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टुडे यूज सम फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट प्लेस ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसे यूज करते हैं। थिन पीस ऑफ फाइबर ग्लास दैट हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अटैच ऑन टू दैम। ये फाइबर ग्लास को यूज़ करते हैं, समटाइम कॉल्ड अ मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। दीज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियंस ऑफ सेकंड। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर बिलियन से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। द साइज ऑफ दिस मशीन ड्रॉप टू अ साइज ऑफ स्मॉल फाइल कैबिनेट्स। इन मशीन का जो साइज था एक फाइल कैबिनेट के ऊपर रखा जाता है। इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया जाता है। 10 million सर्किट पर स्क्वायर फुट, और 10 million से भी ज़्यादा सर्किट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नीचे इसके एग्जांपल दे रखे हैं, बुरा 6700, कंट्रोल डाटा 3300, 6600, 7600, हनीवेल 200, IBM सिस्टम 360, सिस्टम 3, सिस्टम 7, NCR सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पेज नंबर 9 द फोर्थ जनरेशन 1971 टुडे। आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। दिस जनरेशन कैन बी करैक्टराइज बाय बोथ द जंप टू मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पुट ऑन टू वन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक सिंगल सर्किट चिप के अंदर लगाया गया। एंड द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर
और इसके इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या इन्वेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में है माइक्रो प्रोसेसर। बाय पुटिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन टू वन सिंगल चिप, मोर कैलकुलेशन एंड फास्टर स्पीड्स कुड बी रीच्ड बाय कंप्यूटर। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही सिंगल चिप में लगा दिया गया, तो जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल अबाउट अ 14 बिलियंस ऑफ सेकेंड, द स्मॉलर द डिस्टेंस द ग्रेटर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, अब एक बहुत ही कम सेकेंड्स के अंदर पास होने लग गई और उनका स्पेस भी बहुत कम हो गया, तो इससे कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। टेड हॉफ एम्प्लॉय द इंटेल इन्वेंटेड अ चिप द साइज ऑफ ए पेंसिल इरेजर दैट कुड डू ऑल द कंप्यूटिंग एंड लॉजिक वर्क ऑफ ए कंप्यूटर। टेड हॉफ जो इंटेल था, इंटेल कंपनी का एक एम्प्लॉय था, इसने एक चिप बनाई, ऐसी चिप जो पेंसिल के बराबर थी, पेंसिल के इरेजर जो हम इरेजर यूज़ करते हैं, रबड़ यूज़ करते हैं, उसके साइज़ के बराबर थी, जो एक साथ बहुत सारे काम का परफॉर्म कर सकती थी। द माइक्रो प्रोसेसर लीड टुवार्ड द इन्वेंशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से ही आगे चलकर पर्सनल कंप्यूटर आया, जो आज हमने घर पर भी यूज़ करते हैं। इसी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा स्केल पर इंटीग्रेशन को यूज़ किया गया। वेरी लार्ज स्केल VLSI सर्किट इसमें यूज़ किया गया। एग्जाम्पल है इसके अंदर IBM 63090, IBM RISC 6000, IBM RT। उसके बाद आपके पास फिफ्थ जनरेशन 1984 से लेकर 1990 तक का इसका टाइम था। द फिफ्थ जनरेशन सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन विद हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कुड ऑल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोग्राम। आपने फोर्थ जनरेशन में देखा कि एक प्रोसेसर आया, बट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर आ गए जो एक ही सिंगल प्रोग्राम पर काम कर सकते थे। द स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इन सेमी कंडक्टर कंटिन्यूड एट द इनक्रेडिबल पेस। बाय 1990 इट वॉज पॉसिबल टू बिल्ड चिप्स विद ए मिलियंस कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर मेमोरीज। 1990 में ये पॉसिबल हो गया कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक सेमीकंडक्टर मेमोरी के साथ काम किया जा सकता था। अदर न्यू डेवलपमेंट्स वर द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सिंगल यूज़र वर्कस्टेशन। और इसके साथ साथ नई चीज़ें डेवलपमेंट में बनकर आई, वो क्या हो कि कंप्यूटर नेटवर्क बनकर सामने आया और बहुत सारे यूज़र इस पर काम कर सकते थे। इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सम और ऑल दी फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी को मिला दिया गया, कम्बाइन कर दिया गया। एक्सट्रीमली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI इसके अंदर यूज़ होने लग गई। पैरेलल प्रोसेसिंग, हाई स्पीड लॉजिक एंड मेमोरी चिप, एक साथ बहुत सारे काम को किया गया बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। मेमोरी चिप्स इसके अंदर बनकर आई, हाई परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई थी। माइक्रो मिनीटराइजेशन, वॉइस डाटा इंटीग्रेशन, नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आई, डाटा को हम बोल कर इसमें बता सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इसके अंदर आया, वर्चुअल रियलिटी जनरेशन इसके अंदर आई, सैटेलाइट से लिंक पॉसिबल हो सका, ये सारे काम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के आने के बाद पॉसिबल हो सके। फैक्ट 5, वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज द अल्टेयर 8800 कंप्यूटर केटल। सबसे पहला जब पर्सनल कंप्यूटर आया वो था अल्टेयर 8800। फैक्ट 5, सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन अ मेन फ्रेम। जो सुपर कंप्यूटर थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन एक प्रोग्राम को ज़्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड फैक्ट 5, अ मिनी कंप्यूटर इज अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 4 to about 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली। मिनी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ 4 से लेकर 200 यूजर को एक साथ काम करने के लिए कैपेबल होता है। इसमें 4 से लेकर 200 यूज़र एक साथ काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि 1946 से 1958 तो इसका टाइम पीरियड था, वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज़ होती है। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड जनरेशन के अंदर टाइम पीरियड है 1959 से 1964, ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ होते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1970 टाइम पीरियड है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ होते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। फिफ्थ जनरेशन 1984 से 1990 में इसका काम बनना शुरू हो गया और ये भी कंप्यूटर आज तक पॉसिबल है और इन फ्यूचर भी इनका टाइम पीरियड जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर लाइक रोबोट को हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ऐड कर सकते हैं।
Clear, students?